दोस्तों हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन जो है वो है हमारा लीवर। हमारा जो लीवर होता है उसकी नॉर्मल साइज जो उसका वजन होता है वो 1250 से लेके 1450 ग्राम का होता है। हमारा जो लीवर है वो हमारे शरीर के राइट साइड में हमारे अपर एब्डोमिन में हमारे जो रिब केज है उसके एग्जैक्ट नीचे की ओर सिचुएटेड होता है। हमारा जो लीवर है दोस्तों उसका मेन काम पित्त रस यानी कि बाइल जूस को पैदा करना है। और हमारा जो लीवर है वो जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से जो प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी में जाती हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेशन करवाना, ये हमारे लीवर का मुख्य काम है डाइजेशन करवाना। और दूसरा हमारे लीवर का जो मुख्य काम है वो है हमारे ब्लड का जो पूरा फ्लो है बॉडी में वो पूरे ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। तो लीवर के जो दो मुख्य काम है, एक जो है वो डाइजेशन करवाना और दूसरा जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन करवाना। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान का जो लीवर होता है उसका उसके अंदर 100 से लेके 150 ग्राम तक फैट ऑलरेडी रहती है, लेकिन जब ये फैट की मात्रा लीवर में 150 ग्राम से बढ़कर 200 ग्राम तक हो जाती है यानी कि 5 से 10% जो है वो लीवर में फैट बढ़ जाती है उसको फैटी लीवर कहा जाता है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये फैटी लीवर के बारे में, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन लीवर में हो जाता है उसे फैटी लीवर कहा जाता है। और फैटी लीवर होने का मुख्य कारण हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर होता है उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, फैटी लीवर होने के क्या क्या कारण है और आयुर्वेद में फैटी लीवर की क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जो फैटी लीवर है वो फैटी लीवर होने के जो जिनको फैटी लीवर होता है उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फैटी लीवर होने का सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देता है वो पेट में दर्द होना दिखाई देता है। वो लोगों को कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है, उसके बाद बहुत ज्यादा गैस और एसिडिटी की शिकायत होने लगती है, अचानक से शरीर का जो वजन है वो घटने लगता है, उसके बाद कुछ लोगों को नौजिया का फील होता है जैसे उल्टी आने जैसा जी मचलाने वाली फीलिंग आती है, उसके बाद कुछ लोगों को वर्टिगो यानी चक्कर जैसा महसूस होता है, दिन में 3 से 4 बार जो है वो टॉयलेट के लिए स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, मोशन के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिनको फैटी लीवर होता है उन लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत भी बार बार मोशन होने की शिकायत होती है, उसके बाद टायर्डनेस यानी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और शरीर में कमजोरी का एहसास होता है। तो जिन लोगों को भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उन लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर है तो ये फैटी लीवर होने के क्या क्या कारण है। दोस्तों फैटी लीवर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सबसे नंबर वन रीजन जो है वो अल्कोहल यानी कि दारू का ज्यादा सेवन करना, बियर विस्की रम अल्कोहल ये चीजों का ज्यादा सेवन करना फैटी लीवर होने का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा कारण है। फैटी लीवर के अगर 100 केस है तो उसमें से 90% केसेस में फैटी लीवर होने का कारण जो है वो अल्कोहल का सेवन करना जो है वो माना जाता है। उसके बाद फैटी लीवर होने का अगर दूसरा कारण देखने जाए तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड, बहुत ज्यादा जंक फूड का इंटेक करना जैसे बाजार की तली हुई चीजें और स्पाइसी चीजें जंक जैसे कि बर्गर पिज्जा ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करना ये जो है वो फैटी लीवर होने का कारण होता है। आज की डेट में दोस्तों बड़ों जितने ओल्ड एज या बड़ी उम्र के लोगों में फैटी लीवर देखा जाता है, छोटे बच्चों में भी जो है वो फैटी लीवर की समस्या देखी जाती है और छोटे बच्चों में फैटी लीवर का कारण जंक फूड का ज्यादा मात्रा में सेवन करना होता है। उसके बाद कुछ लोगों में फैटी लीवर जो है वो हेरिडिटरी पाया जाता है, मतलब अगर माता पिता को फैटी लीवर की शिकायत होती है तो उनके बच्चों को भी फैटी लीवर हेरिडिटरी में यानी कि आनुवंशिक तौर पर देखा जाता है। फिर कुछ लोगों की जो डाइट है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट होती है जैसे कि चिकन है मटन है फिर अंडा है, हाई प्रोटीन वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं और हाई प्रोटीन डाइट की वजह से भी उनको फैटी लीवर हो जाता है।
कुछ लोगों को हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद भी उनका लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता और फैट का एक्युमुलेशन लीवर में होने लगता है और उसके बाद उनको फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ फीमेल्स में पीसीओडी की शिकायत होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पीसीओडी क्या है और पीसीओडी रोग का आयुर्वेद में क्या समाधान होता है, ये हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी आगे वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। अब यहाँ पे हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो जिन लड़कियों को पीसीओडी होता है, जिन लेडीज में पीसीओडी होता है, उन लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो ओबेज होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनको ओबेसिटी होता है, वजन ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी के बारे में भी हमने हमारे चैनल पे वीडियो रखा हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं कि ओबेसिटी कैसे होती है और आयुर्वेद में उसके क्या क्या समाधान अवेलेबल है। अब दोस्तों आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो शरीर में कफ वर्धक यानी कि चर्बी ज्यादा होती है, ऐसा खाना ज्यादा खाने वाले लोगों की ज्यादा खाने की वजह से शरीर में कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि के साथ साथ शरीर में वायु की भी वृद्धि होती है और ये जो बड़े हुए कफ और वात है वो शरीर की मेद धातु को यानी कि नेचुरल चर्बी को जो है वो दूषित करते हैं और उसकी वजह से जो है वो फैटी लिवर होते हुए देखा जाता है। अब फैटी लीवर जिन लोगों को है तो फैटी लीवर के तीन ग्रेड होते हैं। फैटी लीवर का सबसे पहला जो ग्रेड होता है उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, थोड़ा सा वीकनेस या टायर्डनेस महसूस होता है और नॉर्मल होते हैं सारे सिम्टम्स। जब ये ग्रेड टू में आता है फैटी लीवर तो उन लोगों को बिल्कुल भूख ना लगने की तकलीफ, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, भूख नहीं लगती है और खाने का पाचन नहीं होता है, पेट में ब्लोटिंग सा महसूस होता है, पूरा दिन इनडाइजेशन की वजह से गैस पास होना, डकार आना, ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। और उसके बाद जब ये थर्ड ग्रेड में मतलब के ग्रेड थ्री में चला जाता है फैटी लीवर तो उसमें भूख ना लगना, फिर इनडाइजेशन होना, उसके बाद बहुत ज्यादा लिथार्जिक यानी कि थकान सा महसूस होना, पेट में ब्लॉटिंग होना और राइट शोल्डर में पेन होना, फिर अगर उनका लीवर प्रोफाइल चेक किया जाए तो उसमें SGPT और SGOT बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिन लोगों को फैटी लीवर की तकलीफ है तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लीवर की तकलीफ है उन लोगों को घी, शुगर यानी चीनी, फिर राइस, फिर जो है वो पास्ता, मैगी, चाइनीज फूड, जंक फूड, मैदा, लाल मिर्च, फिर बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें, अल्कोहल, गेहूं और आलू, मटन, अंडे और पालक, इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या क्या खाना है वो देखते हैं। जिन लोगों को फैटी लीवर है उन लोगों को फ्रेश और सीजनल फ्रूट, जो सीजन में जो फ्रूट अवेलेबल होते हैं ऐसे फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, उन लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रेश फ्रूट जूस पीने हैं, उसके अलावा बार्ली यानी जौ का सेवन करना, जौ की रोटी खाना फैटी लीवर में बहुत अच्छा और बहुत गुणकारी साबित होता है। जौ का सत्तू बना के भी आप पी सकते हैं। उसके बाद मूंग दाल का सेवन करना, मूंग दाल की रोटी, मूंग दाल के चिल्ले बना के खाना बहुत फायदाकारक सिद्ध होता है। पपाया खाना बहुत फायदाकारक सिद्ध होता है। उसके बाद एप्पल है, अनार है, आंवला है, फिर ग्रीन सलाड्स का ज्यादा से ज्यादा आप सेवन कर सकते हैं फैटी लीवर में, उससे बहुत फायदा होता है। आप नींबू खा सकते हैं, मछली यानी फिश खा सकते हैं, फिश में बिल्कुल भी फैट नहीं होता है तो फिश जो है वो बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं और खाली पेट लहसुन का सेवन करना भी फैटी लीवर में बहुत फायदेकारक सिद्ध होता है। अब दोस्तों मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, जिन लोगों को फैटी लीवर है उन लोगों के लिए बेहतरीन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं यहां पे बताने वाला हूं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, एलोवेरा का जूस 400 ml लेना है, 400 ml एलोवेरा का जूस, उसमें आपको नींबू का जूस, लेमन जूस 200 ml मिक्स करना है, उसमें आपको अदरक का रस निकाल के 100 ml मिक्स करना है। 400 ml एलोवेरा का रस, 200 ml नींबू का रस और 100 ml अदरक का रस, इसको मिक्स करके स्वाद अनुसार उसमें काला नमक डाल के रख दीजिए। उसके बाद ये मिक्सचर में से रोज सुबह खाली पेट एक बड़ा चम्मच यानी 10 ml तक उसको
लेना है दोस्तों, इसको आपको कम से कम 2 महीने तक रेगुलर लेना है। फैटी लिवर में बहुत अच्छे रिजल्ट इससे देखे जाते हैं। अब आपको मैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बता देता हूं। आयुर्वेद की एक बेहतरीन लिक्विड है कुमारियासव। ये कुमारियासव जो है ये फैटी लिवर की एक बेहतरीन औषधि है। कुमारियासव लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है, बहुत सारी फार्मेसीज इसको बनाती है। हमें 15 ml सुबह में और 15 ml शाम को 15 ml पानी के साथ मिक्स करके जो है वो कुमारियासव का सेवन करना है। 15 ml दवाई को 15 ml ही पानी के साथ मिक्स करके पीना है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और दूसरी एक आपको हर्ब के बारे में बता दूं, आपने कुटकी या कटुकी का नाम सुना होगा। ये कटुकी और करियातु, करियाता और कटुकी को दोनों को आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से परचेस कर लेना है। ये दोनों को एक सर की मात्रा में मिक्स कर देना है। फिर इसमें से 1 चम्मच पाउडर को सुबह 1 गिलास पानी में उबाल के या काढ़ा स्वरूप में बनाए तो 1 गिलास पानी में उसको उबाल के 1 कप जितना रह जाए, 1/4 पार्ट जब उसका बचे उसको छान के खाली पेट सुबह उसका सेवन करना है। ये मिक्सचर को आप 1 महीने तक रेगुलर सेवन करिए, इससे भी आपको फैटी लिवर में बहुत अच्छे और जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया फैटी लिवर होने में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, फैटी लिवर के क्या क्या कारण हैं, और आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो फैटी लिवर में फायदा कारक सिद्ध होती है, फैटी लिवर है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आशा रखता हूं कि आपको जो है वो आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर फैटी लिवर है आप इन नुस्खों को जरूर आजमाइए, और अगर आपको ठीक होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं, हमसे राब्ता करना चाहते हैं, आपके फैटी लिवर की दवाई अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप हमसे बात करके आप दवाई बाय कुरियर आपके घर पे मंगवा सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम पेज आपको यहाँ पे लिंक के स्वरूप में बताया जा रहा है, उसको आप जरूर से लाइक करिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।